So in this session, we are discussing the Nevin number. What exactly the Nevin number? Description is already there. Description of the Nevin number. A number 18 is a Nevin number because the sum of digit 1 and 8 is 9, and 1 plus 8 is equal to 9. 1 plus 8 is equal to 9. Okay, the sum of digits. And 18 is divisible by 9, which is the sum of 18. ठीक उसी तरह से अगर हम बात करें तो 1729 is a Nevin because the sum of digit is 1729. The sum of digit is 1729 is equal to 19, and 1729 is divisible by 19, so it is also a Nevin number. The number 19 is not Nevin because 19 का sum होता है 1 plus 9 is equal to 10, and 19 is not divisible by 10. बस. और ये वो सारी लिस्ट है जिसमें सारे Nevin numbers डिस्प्ले हैं. तो 1 मिनट. ठीक, अब इसको जल्दी से हम कंप्लीट कर रहे हैं. व्हाट एग्जैक्टली इज द Nevin number? व्हाइल n इज ग्रेटर देन 0, ये डिजिट एक्सट्रैक्शन का क्वेश्चन है. p इज इक्वल टू n मॉडुलस 10 एंड सम इज इक्वल टू सम प्लस p. मतलब मैंने सारी डिजिट का सम कर लिया, बस कुछ नहीं. अगर अब तो n तो हमारा डिस्ट्रॉय हो गया है, तो वी हैव टू टेक अ कॉपी ऑफ n इनटू द d. तो जस्ट अ मोमेंट प्लीज. d, इफ सम, इफ d मॉडुलस सम, यानी कोई भी नंबर अपनी सम ऑफ डिजिट से डिविजिबल है और वो जीरो दे रहा है, देन सिस्टम डॉट आउट नंबर इज Nevin. नंबर इज नॉट Nevin. Okay. Now I think all the variables are defined properly. Let me compile. There is no error. अब कौन कौन से Nevin numbers होते हैं ये यहां लिखा हुआ है. 18 एक Nevin है, 1729 एक Nevin है. तो पहले 18 को चेक कर लेते हैं. नंबर इज Nevin. सर यू आर नॉट ऑडिबल टू. ओके, फ्रॉम माय साइड ऑल द कनेक्शन इज परफेक्ट. फरमान, एंड द नेक्स्ट नंबर इज 1729. इसको भी टेस्ट कर लेते हैं. इट इज ऑल्सो Nevin. नाउ वी कैन टेस्ट 10 या 12. 12 इज ऑल्सो Nevin क्योंकि 12 का सम ऑफ डिजिट होता है 3 एंड 12 इज डिविजिबल बाय 3. लेट मी चेक 13. दैट इज नॉट Nevin. ओके, 13 का सम होता है 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4. यहां पर थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन आपको दे रहे हैं कि जैसे ये 13 है और 13 की सम ऑफ डिजिट होता है 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4 एंड 13 इज नॉट डिविजिबल बाय 4. इज नॉट डिविजिबल बाय is not divisible by its sum of digit, that is 4. So it is not Nevin. अब इसका dry run मैं कर रहा हूं आपको. dry run, तो dry run के लिए हम प्रोग्राम में आ रहे हैं. तो n की वैल्यू हमने ली. फर्स्ट नंबर हमारा जो Nevin है वो ये है 18. इसी को टेस्ट कर लेते हैं कि 18 Nevin है या नहीं. तो n की वैल्यू हम लोगों ने ले ली 18. n को हमने d में कॉपी कर लिया तो d की वैल्यू भी 18 हो जाएगी. वी आर चेकिंग Nevin नंबर.
n is greater than 0, 18 is greater than 0, n 18, 18 को 10 से डिवाइड करेंगे तो p में कितना आएगा, 18 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो p में 8 आएगा, एंड सम इज इक्वल टू सम प्लस p, द इनिशियल वैल्यू ऑफ द सम इज 0, सम की इनिशियल वैल्यू जो है वो 0 है, तो 0 प्लस p, यानी 0 में जब 8 को ऐड करेंगे तो 0 प्लस 8, 8 हो जाएगा, n is equal to n by 10, n will become 1, 1 is greater than 0, 1 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे, अगर हम सिंगल डिजिट को 10 से डिवाइड करते हैं कभी भी, तो 10 zeros are 0, remainder वही सिंगल डिजिट बचती है, तो p is equal to n modulus 10, तो remainder के फॉर्म में p में आ जाएगा 1, and sum is equal to sum plus p, यानि के 8 plus 1, that is equal to 9, and n is equal to n by 10, n will become 0, 0 is not greater than 0, condition is false, तो अब हमारे पास d में क्या है, 18, divisible by sum, यानि के क्या ये divide हो रहा है, sum से, और sum कितना है, 9, अगर divide होकर remainder 0 आता है, इसका मतलब 18 is divisible by 9 and 9 is the sum of 18. तो 18 अगर 9 से divisible है, that means it is neon number, Niven number, sorry. तो we can see that 18 is divisible by 9. 9 twos are 18 and the remainder will become 0. Understand? So this is the first part of Niven number. In the question, it is mentioned that suppose I want to print all the Niven number between 1 to n. हमें 1 से n के बीच में सारे Niven number print करना है and n will be decided by user. Okay? तो इसके लिए हमको nested looping का concept use करना होगा. How to use the nested looping concept? 1 minute. ये जो काम हम कर रहे हैं बताता हूं अभी, ठीक है, हमने यहां पर इंटर लिमिट, अ लिमिट हमने n में ले ली, नाउ आई जस्ट वांट टू मेक अ लूप फॉर इज इक्वल टू 1 फॉर i लेस देन इक्वल टू n i प्लस प्लस, और d में अब n को नहीं लेंगे i को लेंगे, और यहां पर हम यूज कर लेंगे d, क्योंकि n अब हमारी लिमिट है, nd nd, और बाहर निकल कर हम चेक करेंगे, नंबर हमारा d में भी है और i में भी, लेकिन d डिस्ट्रॉय हो गया, i अभी भी अलाइव है, तो अगर i मॉडुलस सम इज इक्वल टू 0 है, तो अब ये सब नहीं प्रिंट करना है, क्लियर, एक काम और करेंगे, सम को यहां पर 0 नहीं लेंगे, सम को यहां 0 लेंगे, दैट्स इट, अब ये 1 से लेकर n के बीच में सारे निविन नंबर प्रिंट करेगा 1 by 1, लेट मी कॉपी दिस, जो लोग लेट ज्वाइन करते हैं उनका थोड़ा बहुत तो छूटेगा, जब क्लास की टाइमिंग 9:30 है, ओके, 1 मिनट, लेट मी कंपाइल वंस अगेन, देयर इज नो एरर, ठीक, क्लोजिंग, नियॉन पर राइट क्लिक, प्रोग्राम इज रनिंग इन द बैकग्राउंड, नाउ यू कैन सी दैट द सेम लिस्ट इज प्रिंटिंग व्हिच इज ऑलरेडी गिवन इन सी, आप यहां से कंपेयर कर सकते हैं, तो कंपेयर करने के लिए आई जस्ट वांट टू कॉपी दिस लिस्ट जो हमारा प्रोग्राम जनरेट कर रहा है, और जो हमारी क्वेश्चन में लिस्ट दी हुई है वो ये है, तो इसके ठीक नीचे हम अपने लिस्ट को पेस्ट करते हैं ताकि आप कंपेयर कर सकें कि क्या वही लिस्ट जनरेट हो रही है, एग्जैक्टली वही लिस्ट है, बस सिर्फ फॉन्ट का अंतर है, डिफरेंस है, और कॉमा का, सेम लिस्ट, ओके,
So my program is perfectly okay. My program is generating all the neon number. अब अगर मान लो हम इस लिस्ट को डिलीट कर दें, नीचे वाली लिस्ट को, और हम 10 दे देते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, हम 20 दे देते हैं, तो 20 का मतलब है कि इतनी लिस्ट जनरेट होगी, कितनी, 1 से लेकर 20 तक, सारे निविन नंबर। एक्चुअली जो लीड ज्वाइन करा है, जिन्होंने, उनको हम बता दें कि वी आर बेसिकली टेस्टिंग द निविन नंबर। दिस इज ऑल द निविन नंबर बिटवीन 1 to 20। इसका मैंने ड्राई रन भी कर दिया। निविन नंबर वो होते हैं, एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, निविन नंबर वो होते हैं जो कि जैसे कि 12, ये 12 निविन नंबर कैसे है, हाउ इट इज निविन नंबर। अगर कोई नंबर अपनी डिजिट के सम से डिवाइड हो जाए, तो 12 की डिजिट का अगर हम सम करेंगे तो कितना होगा, 1 plus 2 is equal to how much 3। अगर कोई नंबर अपने सम ऑफ डिजिट से डिवाइड हो जाए तो उसको बराबर निविन कहते हैं। तो 12 इज डिविजिबल बाय 3 एंड प्रोड्यूसिंग द जीरो, सो दैट इज मींस 12 इज अ निविन नंबर। 13 निविन नहीं है, क्योंकि 13 की सम ऑफ डिजिट होती 1 plus 3 is equal to 4 एंड 13 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। होप यू अंडरस्टैंड। मे बी अगर मुझे टाइम मिलता है तो इस को मैं अपलोड कर दूंगा, ये पूरा प्रोग्राम। पहले हमने एक नॉर्मल नंबर के लिए बनाया था, उसके बाद हमने उस प्रोग्राम को पूरा एक फॉर लूप के अंदर रैप कर दिया, इनकैप्सुलेट कर दिया, तो ये नेस्टेड लूपिंग। अब अगर तुम चाहो तो मैं इसको, जब इसको एक बार टेस्ट कर लेना, इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम आई विल डू द ड्राई रन। आज का हमें एक्चुअली दूसरा एक टॉपिक स्टार्ट करना है। इट इज ओवर एक्चुअली, इट इज डन, ठीक है। दिस इज अवॉल एक कुछ लोग हो सकता है प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो एक काम करते हैं, एन की वैल्यू हम ले लेते हैं 20, बस 2 मिनट, और आई की वैल्यू हम एज्यूम कर रहे हैं ड्राई रन के लिए, एज्यूम कर रहे हैं 12। हम चेक कर रहे हैं कि 12 एक निविन नंबर है या नहीं। तो आई में कितना है 12, 12 को हमने डी में स्टोर कर लिया, तो डी की वैल्यू 12 हो जाएगी। सम की वैल्यू 0 है, ये लास्ट ऑप्शन है उन लोगों के लिए। डी इज ग्रेटर देन 0, 12 इज ग्रेटर देन 0, 12 को 10 से डिवाइड करेंगे तो पी में कितना आएगा, पी में डी को 10 से डिवाइड करेंगे, डी इज 12, 12 को 10 से डिवाइड करेंगे तो पी में आ जाएगा 2। सम इज इक्वल टू सम प्लस पी, 0 plus 2, हम डिजिट का मतलब नंबर की डिजिट का सम निकाल रहे हैं, एंड डी इज इक्वल टू डी बाई 10। वन इज ग्रेटर देन 0, 1 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे, वेन एवर वी डिवाइड अ सिंगल डिजिट बाई 10, 10 0s are 0, रिमाइंडर 1, तो p की वैल्यू हो जाएगी 1, एंड सम इज इक्वल टू सम प्लस p, 2 plus 1 2 plus 1 3 होता है, एंड d इज इक्वल टू d बाई 10, d को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे यू विल गेट 0। वन मिनट प्लीज, कुछ स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं। ओके, नाउ आई इज व्हाट, आई इज 12, आई इज 12, वी कैन सी आई इज 12। तो क्या 12 को अगर हम सम से डिवाइड करते हैं, सम क्या है, इसी नंबर की डिजिट का सम 3, and it will produce 0 because 12 is divisible by 3. तो हम i को प्रिंट करेंगे, what is i, i is 12, यानी वो नंबर प्रिंट हो जाएगा,
ऐसे ही सारे नंबर प्रिंट हो जाएंगे. अंडरस्टैंड? आज हम अपने कोर्स का लास्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे. कोर्स का लास्ट टॉपिक है क्लास बेस्ड प्रोग्रामिंग. ओके, तो आज का टॉपिक है क्लास बेस्ड प्रोग्रामिंग कैसे की जाए. क्लास बेस्ड प्रोग्रामिंग करने के लिए, ठीक है, सबसे पहले हमने यहां लिखा एक्स वाई जेड, या हम एक काम कर लेते हैं, एक क्लास बना लेते हैं हम लोग. क्लास का नाम हमने रखा ए ए बी सी या ए बी सी सी, ये हमारे क्लास का नाम है. ये हमारे कोर्स का लास्ट टॉपिक है और ये क्वेश्चन आना बहुत जरूरी है. देखो, पहले हम एक क्वेश्चन फ्रेम कर लेते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप से आएगा. तो क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए हियर आई एम जस्ट राइटिंग अ क्वेश्चन. क्लास का नाम ए बी सी सी इट इज गिवन. फिर उसके बाद क्लास के अंदर दो चीजें होती हैं. पहली चीज होती है डेटा मेंबर. ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगा ए इंट टाइप, बी इंट टाइप, सम इंट टाइप एंड पी इंट टाइप. मतलब ये चार वेरिएबल्स आपको लेना है. डेटा मेंबर्स का मतलब होता है वेरिएबल. कौन कौन से वेरिएबल्स आपको लेना है ये क्वेश्चन में गिवन होगा. ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी होती है मेंबर फंक्शंस. मेंबर फंक्शंस का मतलब होता है कुछ ऐसे फंक्शंस आपको बनाने हैं जिनके अंदर इन डेटा मेंबर्स को यूज किया जाए. पहला है void input. To input the value of a comma b. यानी आपको a और b की value input करनी है. किस function के अंदर? Input function के अंदर. void process to calculate the sum and product. मतलब इस फंक्शन के अंदर आपको सम और प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है. अलग अलग फंक्शंस में आपको अलग अलग काम करना है. एक है वाइड डिस्प्ले टू डिस्प्ले द रिजल्ट. ये जितने भी फंक्शन बनते हैं दे आर नॉन स्टैटिक फंक्शंस. यानी जिस फंक्शन के साथ स्टैटिक कीवर्ड ना लगा हो उसे नॉन स्टैटिक फंक्शन कहते हैं. तो एक लाइन लिख रहे हैं. हाँ, पहले पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लें. क्रिएट द मेन एंड कॉल द अबव फंक्शंस. इन सारे फंक्शंस को आपको मेन क्रिएट करके उन्हें कॉल करना है. ये पूरा क्वेश्चन है 15 मार्क्स का. हम इसे सॉल्व करेंगे और आज से 3 दिन तक आपका यही चैप्टर चलेगा. तो 3 दिन के बाद आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा ऑफिशियली. ओके, तो अच्छा, ये जितने भी फंक्शंस हैं नॉन स्टैटिक फंक्शंस हैं. तो एक नोट हम डाल रहे हैं, ये क्वेश्चन में नहीं लिखेगा. नहीं, द अबव फंक्शंस आर नॉन स्टैटिक. So, how to call the non-static function वो हम बताएंगे. पहले अभी इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं. तो इस क्वेश्चन को शुरू करने के लिए क्लास का नाम क्या दिया है? ए बी सी सी. दिस इज द नेम ऑफ क्लास. तो जो आप क्लास क्रिएट करेंगे उसका नाम भी ए ए बी सी होगा, ए बी सी सी होगा. जस्ट रिलेटेड ए बी सी सी. अब जो डेटा मेंबर, सबसे पहले आपका सेक्शन आता है डेटा मेंबर का. डेटा मेंबर में आपको चार वेरिएबल डिक्लेयर करना है और चारों इंट टाइप के हैं.
तो हम एक साथ इनको डिफाइन कर सकते हैं ए कॉमा बी कॉमा सम कॉमा पी प्रोडक्ट। ये सारे आपके इंटीजर टाइप के डेटा मेंबर्स हैं। डेटा मेंबर का मतलब होता है वेरिएबल। अब आपके पास है वाइड इनपुट, ये पहला फंक्शन आपको डिफाइन करना है और उसमें आपको ए और बी की वैल्यू इनपुट करानी। क्वेश्चन सब लोग पढ़ लीजिए एक मिनट। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में आना कंपलसरी है, सो दिस इज अ मैंडेटरी क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। तो वाइड इनपुट मतलब एक फंक्शन आपको बनाना है इनपुट नाम का और उसमें आपको ए और बी की वैल्यू इनपुट करानी। अभी तक जो काम हम सारा मेन में कर रहे थे अब वो डिवाइड हो गया। जैसे कि न्यू समझ लीजिए एक मिनट के लिए, बस एक मिनट के लिए, हार्डली आई विल टेक वन मिनट। जैसे हमने एक पर्सन को सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, एक पर्सन सिंगल पर्सन, इस पर्सन का नाम है मेन, मेन इज द नेम ऑफ पर्सन। यही पर्सन इनपुट भी कराएगा, यही पर्सन डेटा को प्रोसेस भी करेगा मतलब कैलकुलेट भी करेगा, और यही पर्सन डेटा को डिस्प्ले भी करेगा, और इसी पर्सन के अंदर वेरिएबल भी डिफाइन होंगे। मींस ऑल द थिंग्स विल बी हैंडल बाय अ सिंगल पर्सन। अंडरस्टैंड? वन मिनट। अभी थोड़ी देर पहले आपने एक निविन नंबर बनाया था, ये देखो निविन नंबर के अंदर वाइड मेन के अंदर आप इनपुट भी ले रहे हैं, वहीं पर नंबर को चेक भी कर रहे हैं और वहीं पे नंबर को डिस्प्ले भी कर रहे हैं। मतलब ईच एंड एवरीथिंग इज डन इनसाइड मेन, मतलब एक पर्सन सारे काम कर रहा है। अब ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक ये कहता है कि सारे टास्क को अलग अलग डिवाइड कर दो। मतलब वन पर्सन इज गोइंग टू हैंडल द इनपुट पार्ट टीम वर्क, अनदर पर्सन इज गोइंग टू हैंडल द प्रोसेस पार्ट, एंड द थर्ड पर्सन इज गोइंग टू हैंडल द डिस्प्ले पार्ट। मतलब एक आदमी से सारा काम नहीं लिया जाएगा, अलग अलग लोगों से अलग अलग काम लिए जाएंगे। तो इनपुट फंक्शन इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग द वैल्यूज फ्रॉम द यूजर एज एन इनपुट। प्रोसेस का काम है प्रोसेस करना, डिस्प्ले का काम है डिस्प्ले करना। एंड हु विल मैनेज ऑल दिस, इन सबको मैनेज करेगा एक मैनेजर जिसका नाम होगा मेन। तो मेन इज हैंडलिंग दिस टीम। क्रिकेट देखते हैं आप लोग, क्रिकेट में कैप्टन अपनी पूरी टीम को मैनेज करता है। कुछ लोग बॉलिंग करते हैं, कुछ लोग बैटिंग करते हैं, कुछ लोग फील्डिंग करते हैं, एंड ऑल दीज प्लेयर्स विल बी हैंडल्ड बाय द कैप्टन। ओके, अब हम इसे क्लियर कर रहे हैं, और क्लियर करने के बाद वाइड इनपुट पहला फंक्शन हम बनाने जा रहे हैं। इनपुट में सिर्फ इनपुट कराना है और कुछ नहीं। तो लेट मी कम टू द जावा पार्ट। ये तो यहां पर हमने बनाया वाइड इनपुट, इसके अंदर हमें दो वैल्यूज इनपुट करानी है, एंड एज वी नो दैट इनपुट के लिए स्कैनर क्लास की जरूरत पड़ती है। एंड सिस्टम डॉट आउट इंटर फर्स्ट वैल्यू इज इक्वल टू ob.nextint, without wasting the time, I am just copying and pasting here, और a की जगह पर b कर लेंगे। Input part is over, input हो गया, ठीक, input के अंदर input करना था वो हो गया। अब वापस आते हैं program में, it to input the two values, this is done, ये काम हो गया। अब wide process
प्रोसेस को पी स्मॉल कर लो, व्हाइट प्रोसेस एक फंक्शन हमें बनाना है, इसमें हमें कैलकुलेट करना है सम एंड प्रोडक्ट, मतलब जो दो नंबर आपने इनपुट कराए हैं उनका सम और प्रोडक्ट होगा प्रोसेस नाम के फंक्शन में, नो प्रॉब्लम। मतलब ये दूसरा पर्सन अपॉइंटेड है जो कि सम का सम और प्रोडक्ट करेगा, तो व्हाइट प्रोसेस, अंडरस्टैंड। तो सम करने के लिए आप जानते हैं ए प्लस बी, ये आपके आपके पेपर का सबसे इजी क्वेश्चन होगा अगर आपकी समझ में आ गया है, नहीं समझ में आ गया है तो फिर ये टफ भी हो सकता है। तो प्रोसेस के अंदर सम और पी हमने कर लिया, सम एंड प्रोडक्ट विल बी डन बाय प्रोसेस। अब इसमें डिस्प्ले नहीं कर सकते क्योंकि डिस्प्ले इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, डिस्प्ले रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी, डिस्प्ले फंक्शन की। तो अब हम डिस्प्ले फंक्शन बनाएंगे जो कि हमारा लास्ट फंक्शन हो डिस्प्ले, और डिस्प्ले के अंदर क्या डिस्प्ले करना है, सम प्लस सम, कॉपिंग वन मिनट प्लीज, जस्ट कॉपिंग एंड पेस्टिंग प्रोडक्ट, अगर आप चाहते हैं तो सब एक साथ लाइन कराते हैं बस, ठीक है, ओके नॉट फाइन, बन गया ठीक। अब ये तब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता, ये तब तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो सकता जब तक मेन ना हो, तो मेन के लिए कहा गया है नीचे क्रिएट द मेन एंड कॉल द अबव फंक्शन, ठीक है। अब हम मेन बनाते हैं, तो पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, ये वही मेन है प्रोडक्ट में जो आप पहले बनाते थे, अब ये मेन बाद में बन रहा है। यस, एनीबॉडी वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? यस सर, प्रोडक्ट में पी लगेगा, आपने सम लगाया है। ओके ओके, कॉपी पेस्ट किया था एक्चुअली, सॉरी, ठीक है। अब मेन में, मेन से इन फंक्शन को कॉल किया जाएगा, तो इन फंक्शन को कॉल करने के लिए सबसे पहली चीज है बिफोर कॉलिंग, बिफोर कॉलिंग वी हैव टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट। एक काम कर सकते हैं आप लोग, ये जितने भी लोग हैं वो सारे लोग जल्दी से रिज्वाइन कर लीजिए बिकॉज टाइम इज रनिंग। ये सात लोग एक बार फिर से रिज्वाइन कर लीजिए सबके पास, लेकिन जल्दी रिज्वाइन करिएगा, बहुत जल्दी। मैं अलग अलग सबको नहीं बोलूंगा ज्वाइन करने के लिए, इमीडिएटली आप लीव करिए मीटिंग और रिज्वाइन करिए सेम लिंक से।